नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको CTET पेपर सेकंड जो 2018 इस रविवार को जो पेपर हुआ है उसका जो मैथमेटिक्स है उसका मैं आपको क्वेश्चन जो है उसका आंसर सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है, एक सिक्का 10 बार उछला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं। अब यहाँ पर हेड और टेल दो दिए गए, इसमें यच यानी चित है और टी यानी पट है। यच यानी हेड और टी यानी टेल। चित प्राप्त, अब इसमें पूछा गया है चित प्राप्त करने की संभावना क्या है। अब यहाँ पर हमें हेड काउंट करना पड़ेगा यानी चित 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी हेड जो है वो हमारा 6 बार है। और पूरा अगर टोटल जो काउंटिंग करेंगे हम कितने बार उछला गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी टोटल जो है वो कितने बार है, 10 बार। तो हमें यच की संभावना निकालनी है। यहाँ पर है ये जो है 6/10 आएगा और इसको जो अगर हम डिवाइड करेंगे 3 और 3 बेतरिक्सा और बेपंचे 10 यानी हमारा आंसर आ रहा है 3/5 यानी हमारा आंसर आ रहा है 3/5। अब दूसरा क्वेश्चन है, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है। यहाँ पर है दंडालेख, चित्रालेख, हिस्टोग्राम। और यहाँ पर अगर हम ज्यामितीय निरूपण अगर देखें तो ये पाई चार्ट है। ये जो पाई चार्ट है हम इसकी तरह यह बनाते हैं परसेंटेज में, तो ये हमें उसके अंश के बीच संबंध हमें दिखाता है, तो उसका आंसर आता है ये पाई चार्ट। अभी तीसरा क्वेश्चन है वो है, मानिए कि ए बी सी 3 परिमेय संख्या है जहाँ ए बराबर 3/5, बी बराबर 3/5, 2/3 और C=-5/6 है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब यहाँ पर हमें ये जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पर वैल्यू जो है यहाँ पर इसका वैल्यू का रिलेशन कोई भी नहीं है। यहाँ पर यह हमें स्टैंडर्ड जो समीकरण है उसके बारे में हमें देखना है। तो इसमें अगर देखेंगे हम, हमारा जो ये तीसरा जो समीकरण है ये (b+c)(b×a+c) यह उसका सही आंसर आता है। और अब आगे देखिए दिया है 7y(6)/yyy, तब y का मान है। तो अब यहाँ पर अगर ये हमें सभी वैल्यू इसमें डालने पर हम अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो 7 4 × 6 अब 4 पुट किया है तो 6 × 4 आता है 24 और 6 विच इज सॉरी यानी 44 ये हमें, तो ये हमारा आंसर है ये फर्स्ट। बाद में और क्वेश्चन है, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत है। अभी सदस्य टोटल यानी 25 से 25 में से 4, तो यहाँ पर हमें इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए 4/25 इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी 25 × 25 = 4 देन 4 × 4 = 16 तो हमारा आंसर आए 60% ये। बाद में का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक पार्क में 784 पौधे 784 अव्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये सब टोटल जो पौधे हैं वो कितने हैं 784 और ऐसा खड़ी और ऐसी जो हमें संख्या आनी चाहिए वो एकदम सिंपल आनी चाहिए और ये इसका मतलब क्या है, ये हमारा स्क्वेयर है। तो आप हमको पता है यहाँ पर 40 का जो स्क्वायर है, यहाँ पर इसके नज़दीकी है 50 के नज़दीकी है,
20 के नज़दीक है और ये 30 के नज़दीक है। यहाँ पर 40 का है ये 1600 के आसपास आता है, ये नहीं है। यहाँ 50 का है ये 2500 के आसपास आता है, ये भी नहीं है। 18 यानी 20 यानी ये 400, यानी ये बहुत कम है, 400 से कम है। तो हमारा पता है कि हमारा 100% आंसर जो आएगा वो 28 है, यानी 28 को हम 28 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये 784, यानी 28 हमारा चौथा ऑप्शन उसका आंसर है। अब दूसरे क्वेश्चन अगर देखेंगे हम आगे देखिए, अब ये एक क्वेश्चन है। यहाँ पर 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है, टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी। तो हमें यहाँ पर हाइट निकालना है। ऑप्शन है 30, 40, 10 और 20। अब यहाँ पर एक फार्मूला है, यहाँ पर ऐसे नहीं, वैल्यूम आकारवान का वैल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। तो अब यहाँ पर एल इंटू बी जो है ये हमें मालूम है कि ये आयताकार है, यानी इसका क्षेत्रफल है, यानी ये क्षेत्रफल है 700 एल इंटू बी। हमें यहाँ पर ये एच निकालना है। अब ये हमें दिया है इसका जो पर वैल्यूम कितना है, 140 मीटर कितना ये क्यूब है। तो हम यहाँ वैल्यू इसमें अगर डालेंगे तो यहाँ पर ये 40, ये 0 और ये 0, यानी कितना रहा 14 इज इक्वल टू 70 इंटू एच। और यहाँ पर कितना आएंगे हमारे 70 इंटू इज इक्वल टू एच। अभी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है कितना 7 2 14 और ये 2 ये 10, यानी 1/5। तो 1/5 यानी कितना आता है, ये करीब या 20 के करीब है। इसको अगर हम ये 5 में से एक अगर देखेंगे तो ये 25, यानी हमारा आंसर आता है ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो ये क्वेश्चन देखिए, यदि 5/7 इसका इंडेक्स 4 इंटू 5/7 -3 इज इक्वल टू 5/7। यहाँ पर 5x-2 हो तो x क्या है, हमें यहाँ पर ये जो x है उसकी वैल्यू हमें निकालने को बोली। अब यहाँ पर हमें रूल्स मालूम होने चाहिए इंडाइसिस के, और वो रूल्स क्या है, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन यानी इंडाइसिस का क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा। तो इंडाइसिस ये 5/7 और इंडाइसिस जो है वो 4+-3 यानी कितना होता है ये 1, यानी ये 5/7 इसका है ये 1। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तब इधर जो दिया है 5/7, यहाँ पर 5x है, 5x-2 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 5x-2 इज इक्वल टू 1। अब ये जो है ये इधर आने के बाद, ये 2-2 है तो इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 1+2 यानी 5x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 3/5। तो ये हमारा आंसर आता है ये फर्स्ट। इस तरह हम सॉल्व करेंगे। अब जो है दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं है, शीर्ष नहीं होता है। अब शीर्ष हमें पता है शंकु है, पिरामिड है, प्रिज्म है, इसमें ऐसा ही जो ये शीर्ष का है, यहाँ पर गोला में शीर्ष नहीं, यानी हमारा आंसर आता है ये गोला। अभी अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया है, यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट का, यहाँ पर स्क्वायर रूट का मान है तो यहाँ पर 11, 12, 9 और 10 है। अब ये 10 है, ये कैसा आता है देखिए। अब यहाँ पर 121 है, 121 का हमें मत पता है स्क्वायर रूट क्या है, वो है 11। तो हमें सॉल्व करेंगे तो 121 का है जो 11, आप क्या रहेगा यहाँ पर +70 ये, और इसके बाद में ये 91 है इसके ऊपर। अब ये अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है, ये
81 आया है, अब ये प्लस और उसके बाद में 91। अब इसका स्क्वायर रूट 81 का वो है 9, तो यानी 91 प्लस 9, तो ये हमारा कितना गया, ये 100। तो इसका स्क्वायर रूट हमें पता है ये 10 है, ऐसे हमें सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो देखिए, यदि क्यू एक प्राकृतिक संख्या पी का वर्ग है, यानी क्यू जो है वो पी का वर्ग है, तो यानी पी का वर्ग क्या है हमारा क्यू, तो पी है तो इसमें क्यू के बराबर है, क्यू से बड़ा है, क्यू का वर्ग है, तो क्यू का ये क्या आ जाएगा हमारा ये वर्गमूल, यानी पी इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू, ये ऐसा आएगा, यानी चौथा ऑप्शन हमारा ये आता है। और अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें ने सॉल्व किया है, तो इसमें देखिए एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की थी, यानी एक दुकान में कितने की, 100 रुपए की एक वस्तु है तो वो है 90 रुपए को किए, तो एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 का था, यानी हमें 500 की कीमत अब यहाँ पर निकालनी है, तो यहाँ पे हमें क्रॉस कर सकते हैं को 500 × 90/100, तो ये कैसे आएगा 1/8 और ये 2 0 5 9, तो इसका हमारा आंसर आया है 450, यानी 450 जो है ये हमारा इसका आंसर आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको और नई वीडियो चाहिए होगी तो आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।